नमस्कार मेरे मित्रों, जय माँ शारदे। आज शनि जयंती है, तो शनि जयंती के दिन आपको करना क्या है इसके लिए कि कुछ राशियां हैं जिनके महासंयोग बन रहे हैं, तो अगर आज वो राशि वाले कुछ उपाय करते हैं तो उनके जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है, क्योंकि शनि देवता उस दिन उनके ऊपर प्रसन्न है। अमावस्या के दिन शनि जयंती मनाई जाएगी। इस बार शनि जयंती 19 मई 2023 को मनाया जा रहा है। इस दिन सनातन धर्म के मानने वाले लोग भगवान शनि देवता का विधि विधान पूर्वक भगवान शनि देवता का जयंती मनाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से उनकी साढ़े साथी खत्म हो जाती है और शनि ग्रह के दोष से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। शनि ग्रह के दोष से अगर मुक्ति अगर आप चाहते हैं तो आपको शनि देवता आपके ऊपर अपार कृपा बरसाएंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि शनि जयंती के दिन कुछ राशियों के मतलब जो जातक हैं उनके लिए सर्वाधिक लाभ होने वाला है, इसलिए आज मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। वो राशि है जैसे मकर राशि, तुला राशि, मेष राशि और मिथुन राशि वालों को आज अपार लाभ मिलेगा। आज उनके अपार भगवान शनि देवता की कृपा उनके ऊपर बरसेगी। तो ये चार राशि के बारे में आज मैं बताऊंगी। इससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया करके वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो उन्हें कैसे लगते हैं ये मुझे अवश्य बताएं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर उन्हें मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो भी बताएं, और अगर नहीं लाभ प्रदान कर रहे हैं तो भी बताएं, तो मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही मैं मेरे चैनल को इतनी योग्यता प्राप्त हुई है। तो अब हम आते हैं उपाय की तरफ कि आज इन जातक जिनकी राशियां हैं अगर ये राशि वाले थोड़ा ध्यान देंगे तो उनके शुभ योग बनेंगे और शनि देवता की कृपा उन पर बनी रहेगी अगर ये कार्य करते हैं। तो आज हम पहले बताते हैं तुला राशि। तुला राशि का ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना गया है कि शुक्रवार के दिन शनि जयंती पड़ रही है इस बार 19 मई 2023 को। तो ऐसी स्थिति में शुक्र है और तुला राशि का जो सौमी ग्रह है वो शनि देवता का मित्र होता है, तो इस दिन शनि देवता के दिन तुला राशि के जातकों में सफलता और सुख समृद्धि की उन्नति होगी। शनि की उपासना करेंगे तो उनको नौकरी में अपार वृद्धि मिलेगी, नौकरी में लाभ होगा। अगर वो शनि देवता का पूजा करते हैं, शनि देवता की जयंती मनाते हैं, व्रत करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं तो उनको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस दिन उनके साढ़े साथी भी समाप्त हो जाएगी और ग्रह दोष जो होते हैं वो भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मकर राशि। मकर राशि वालों को क्या करना है, शनि जयंती के दिन इस जातकों के जिनकी राशि है उनके लिए भी शुभदायक दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। मकर राशि के लिए ये दिन बेहद खास है क्योंकि मकर राशि के जातकों में शनि जयंती के दिन शनि देवता की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी। लंबे समय से चल रहे रोगों से उन्हें मुक्ति मिलेगी और आर्थिक धन में भी उन्हें लाभ होगा। अगर वो शनिवार के दिन शनिचर वाले के दिन पूजा पाठ करते हैं तो उनको लाभ अवश्य प्राप्त होगा और जो भी बीमारी चल रही है, लंबे समय से अटके हुए कार्य हैं, वो भी उनके संपन्न हो जाएंगे। आर्थिक लाभ में उनकी बढ़ोतरी होगी, व्यापार और रोजगार की तरफ उनके द्वार खुलेंगे। अगर ये मकर राशि वाले जातकों के लिए ये है, अगर ये शनि देवता जी की पूजा करते हैं तो उनको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। फिर आते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि ज्योतिष के अनुसार मिथुन राशि वाले के लिए भी ये बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। आज के दिन यानी कि 19 मई 2023 के दिन बहुत ही शुभ संयोग है। ऐसी स्थिति में मिथुन राशि वालों को जातकों को क्या करना है, उनका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में उनका कद ऊंचा होगा और लंबे समय से अटके हुए उनके काम जैसे शादी ना होना, नौकरी ना लगना, किसी बीमारी से ग्रसित होना और मुकदमा का फैसला ना आना, जो लंबे समय से अटके हुए कार्य हैं उनको जल्द उनको लाभ प्राप्त होगा और नौकरी और व्यवसाय के क्षेत्र में उनकी पदोन्नति होगी और समाज में उनका कद ऊंचा होगा और उनको सभी की सराहना मिलेगी। दोस्त से भी उनको आज पैसे के भी संयोग है, जिन्होंने भी उधार पैसा दिया है और उनका पैसा वापस नहीं मिल रहा है, तो मिथुन राशि वालों के जातकों के लिए ये है कि उनका पैसा भी आज उधार वापस मिल जाएगा।
फिर आते हैं मेष राशि। मेष राशि शनि जयंती के लिए मेष राशि भी बहुत ही अपार धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए है। अगर आज मेष राशि वाले जातक भी शनि देवता जी की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अर्चना करते हैं, दीपक जलाते हैं, तो उनको भी राहत मिलेगी, कार्य क्षेत्र में उनको उन्नति मिलेगी और ईश्वर की प्राप्ति होगी। कर्ज से राहत मिलेगी, किसी भी प्रकार का कर्ज है उससे राहत मिलेगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे जिससे उनको लाभ प्रदान होगा। तो आय के इससे नए स्रोत भी उनको मिलेंगे, तो इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आज मैंने आपको बताया कि शनि जयंती के दिन इन चार राशियों का योग बन रहा है और अगर ये चार राशि ध्यान दे, जात को जो जिनकी ये राशियां हैं वो ध्यान दे, तो उन्हें लाभ अवश्य प्राप्त होगा। और जो भी मैं बताती हूँ ये मेरे गुरु जी की मेरे ऊपर अपार कृपा है, तो वो उन्होंने मुझे बताया। जो भी चीज़ें मैं बताती हूँ वो पुराणों और शास्त्रों से जान के बताती हूँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बताया इसलिए मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, शनिचर के दिन ये सब करते हैं, तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। नमस्कार।